आज के मंडे नाइट रॉ में फाइनली बीस्ट वापस आ चुका है, यानी कि आज के मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ करते अपने बीस्ट इनकार्नेट का और ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर आते हैं, उन्हें इंटरप्ट करते हैं अपने पॉल हेमन, उसके बाद वो एक दो प्रोमो कट करते हैं, उसके बाद अपने उनको इंटरप्ट करते हैं अपने ऑस्टिन थ्योरी। इन दिनों के बीच प्रोमो बैटल होती होती ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि यू व्हाट द फक ऐसा कुछ कहते हैं, और फिर वहाँ से अपने पॉल हेमन अपने ओटिस और चैट गेबल को ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती थी, ब्रॉक लेसनर के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया और ब्रॉक लेसनर का फिर बीस्ट मोड एक्टिवेट हो गया, पूरे इन दोनों को पूरी रॉ ने तबाह कर दी, अनाउंस टेबल पर पटका, यहाँ बैरिकेड के थ्रू पटका, रिंग गियर के थ्रू पटका, यहाँ से वहाँ F5 सुप्लेक्स डीसी धड़ाधड़ इन दोनों सुप्लेक्स चैट गेबल और ओटिस को पढ़ते ही यदि मतलब पूरे मैच पूरे रॉ हाइप कर दिया, एकदम धमाकेदार मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी। चैट गेबल और ओटिस ने ब्रॉक लेसनर को बीस्ट मोड एक्टिवेट करके बीस्ट अब ब्रूमो द स्टेज ओपन चैलेंज दिया ब्रॉक लेसनर ने, रेडी फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट समर स्लैम ऐसा कुछ कहते हैं ब्रॉक लेसनर, और काफ़ी अच्छा खासा दमदार मैच था, सॉरी इन दोनों का आमना सामना था, पूरे ब्रॉक लेसनर का धमाकेदार रिटर्न कर दिया अभी के लिए।